आपको दिखाया था वी मार्ट, ये सही सराय मार्केट का पूरा एरिया है। ये आपको महादेवा जानती है, ये रोड महादेवा से होते हुए यहाँ पे बारहन चली जाएगी, लक्ष्मी दरगाह चली जाएगी। कैम छो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको पूरा सिवान घुमाएंगे। टाउन जो है आपको यहाँ से लेके जाएंगे रामराज मोड़, रामराज मोड़ के बाद से आपको शहीद सराय लेके जाएंगे, दरबार मस्जिद के पास लेके जाएंगे, जेपी चौक लेके जाएंगे, और यहाँ हम लोग अभी ओवर ब्रिज पे हैं जो कि हुसैनगंज ओवर ब्रिज है। वहाँ का नज़ारा आपको पीछे स्टेशन नज़र आ जाएगी, और आपको यहाँ पे ये रास्ता जो है आप चले जाएंगे हुसैनगंज, और सामने आप देखेंगे तो आप टाउन में इन कर जाएंगे। तो जैसा कि दोस्तों आपको यहाँ पे मैं जो दिखाऊंगा, जो नज़ारा दिखाऊंगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दोस्तों इधर आपको विशाल मेगा मार्ट मिल जाता है, विशाल मेगा मार्ट है आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे खानकाह है, खानकाह अमजदिया शरीफ आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आप जाएंगे तो सामने जो है वो सिवान में इन कर जाएंगे मेन टाउन में। ये रामराज मोड़ है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो सिवान है यहीं पे सुबह सुबह जो है यहाँ की खूबसूरती काफ़ी अच्छी होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं छोटे छोटे दुकान यहाँ पे लगते हैं, चाय की दुकान हो या कॉफ़ी की दुकान हो, छोटे छोटे स्टॉल यहाँ पे लगते हैं, बर्गर मोमोज के स्टॉल यहाँ पे लगते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे अगर आप अंदर जाते हैं तो आपको दाहिने साइड में मिल जाता है शेखर सिनेमा, जो कि किसी ज़माने में काफ़ी पॉपुलर हुआ करता था, कृष्णा सिनेमा, शेखर सिनेमा। आप यहाँ पर देखेंगे के फल फ्रूट्स के दुकान भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, और यहाँ पे बाज़ार है आप देख सकते हैं एम बाज़ार। और अंदर आप चलेंगे तो यहाँ पे आपको शेखर सिनेमा है, शेखर सिनेमा। अंदर मंदिर के भी नज़ारा आप देख सकते हैं, मंदिर भी है यहाँ पे, और यहाँ अंदर आपको कृष्णा सिनेमा मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे अंदर कृष्णा सिनेमा है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा मार्केट होता है, जो कि आप देखेंगे कपड़े का दुकान हो, फल का दुकान हो, काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको कपड़े वगैरह भी मिल जाते हैं, जो कि गरीब तबका के लोग हैं यहाँ पे मार्केटिंग करते हैं। ये है शांति वट झगड़ा और पेपर, आप यहाँ पर देखेंगे आज भी कूड़ा का अंबार यहाँ पर पड़ा हुआ है, और ये है शांति वट जो कि आप देखेंगे ये पेड़ देख सकते हैं, काफ़ी पुराना पेड़ है। और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं छोटे छोटे दुकान, मुहर्रम शुरू होने को है, और यहाँ पे लोग जो हैं वो ताशा ढाक रेडी करा रहे हैं। अंदर यहाँ पे चलते हैं, ये नया किला को जाएगा रास्ता। आगे हाफिज जी चौक है, आप यहाँ पे देखेंगे अंदर जो औरतें हैं उनको चलने का शौर नहीं है, कब सामने रोड पे आ जाए कोई नहीं जानता। ये आप देखेंगे लस्सी की दुकान, कसरा टोली मोड़ है यहाँ पे, कसरा टोली मोड़ आप देखेंगे। और साथ में सुंदर बिस्किट स्टोर इमली चौक का जो रास्ता है, इमली चौक, यही इमली चौक को जाता है, ये आप देखें सुंदर बिस्किट स्टोर यहाँ पे है। अंदर में आप जाएंगे यहाँ पे तो काफ़ी
अच्छा ये सही सराय को जाती है रोड। आपको मैं बताऊं कि अंदर काफ़ी चहल पहल होता है, अभी तो कम है क्योंकि संडे है, आज आतवार है, संडे को थोड़ा सा क्राउड कम होता है, लेकिन अगर और दिन अगर आप आते हैं तो चलने में काफ़ी दिक्कतें होती है। और यहाँ आप अंदर चल रहे हैं, ये बहुत सारे यहाँ पे ज्वेलरी शॉप हैं, दुकान आपको मिल जाते हैं, सोसाइटी ज्वेलर्स है, श्री लक्ष्मी ज्वेलर्स है, भगवान पैलेस है, पायल ज्वेलर्स है, और ये आपको बड़ी मस्जिद है, यहाँ पे आप देखेंगे बड़ी मस्जिद, ये आपको दरबार को जाएगी ये, और ये इधर चलना है, हम लोग को इधर चलना है, ये आपको जेपी चौक को जाएगी, तो हम चलते हैं जेपी चौक और यहाँ पे आपको यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। ये है आपको बड़ी मस्जिद, बड़ी मस्जिद के पीछे का नज़ारा है, और यहाँ पे आप देखेंगे श्रीकांत भारती रोड है, ये आपको सब्ज़ी मंडी का तो जाता है। और आपको मैं बता दूं कि ये होटल प्रधान इन है, यहाँ पे बहुत बड़ा ये होटल है, शिव प्रधान कम्प्लेक्स इसको कहा जाता है अंदर में। और पीछे में अगर आप जाएंगे तो श्री गंगा स्वीट्स है, ये बड़ी मस्जिद के पीछे का रास्ता है जो कि कागजी मोहल्ला को जाता है, कागजी मोहल्ला। हम अभी यहाँ से जेपी चौक निकलेंगे, जेपी चौक के बाद से वहाँ से निकलेंगे बवनिया मोड़, और ये हम लोग जा रहे हैं कागजी मोहल्ला, ये साबुन टोली है, आगे में चलते हैं, आगे आप जाएंगे तो ये कागजी मोहल्ला है, कागजी मोहल्ले में थोड़ा सा धीरे कर लीजिएगा, धीरे करके ऐसे निकलिएगा, ठीक है, ये कागजी मोहल्ला है, और यहाँ से तीन रास्ते कटते हैं, ये कागजी मोहल्ला है, ये हम लोग जेपी चौक की तरफ जा रहे हैं, अगर अपोजिट जाएंगे तो नया किला चले जाएंगे। और ये जो है तो दोस्तों अभी हम लोग गोपालगंज स्टैंड के पास हैं, और यहाँ से आपको मैं बता दूँ कि चंद्रशेखर जी का शहीद स्मारक जो है वो यहाँ पे है, और आप इस रोड से जाते हैं तो यूपी चले जाएंगे मैरवा होते हुए, और इधर से जाएंगे तो ये जो रोड है ये आप अगर जाते हैं इस रोड से तो आप गोपालगंज चले जाएंगे, उसके अलावा आप मुजफ्फरपुर मोतिहारी भी चले जाएंगे। तो यहाँ पे बैक कैमरे से यहाँ का नज़ारा दिखा दे आप सभी को, ये आप टाउन में जाएंगे, यहाँ से ये रोड टाउन में चली जाएगी, और आपको मैं बता दूँ कि यही शहीद चंद्रशेखर जी की प्रतिमा है, आप यहाँ पे देखेंगे, जूम करके आपको दिखा दूँ ये, ठीक है, और आप देख सकते हैं कि इस प्रतिमा को चारों तरफ से बोर्ड लगा करके ढक दिया गया है, जैसा कि मतलब कि सिवान की खूबसूरती को छुपा दिया गया है, यानी कि ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो है आपको चली जाएगी देवरिया, अगर आप जाना चाहते हैं मैरवा होते हुए तो आप यहाँ से निकल जाएंगे। यह है जेपी चौक, यहाँ से आप मेन यहाँ पे तीन मोहानी है जो कि आप देख सकते हैं, और
देखिए आपको महादेवा जानती है, ये रोड महादेवा से होते हुए यहाँ पे बरहन चली जाएगी, लकड़ी दरगाह चली जाएगी। ये दरबार रोड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं दरबार रोड है। आज संडे होने के बाद भी इतना भीड़ के चलना दिक्कत हो जाती है। यह सामने आप देख सकते हैं मधुकुंज वगैरह है। ये दरबार मस्जिद है, यहाँ पे देखिए आप टाउन में जमीन कीजिए तो थोड़ा सा बच के बचा के, कोई कौन कब कहाँ घुस जाए कोई नहीं जानता। और अंदर में अगर आप जाते हैं यहाँ पे दरबार मस्जिद है, दरबार मस्जिद का भी नज़ारा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये दरबार मस्जिद है, और सामने ये सही सराय चली जाएगी, सही सराय जाएगी, सही सराय भी हम आपको घुमाएंगे। ये सदर अस्पताल को जाती है, यहाँ से अगर आप जाते हैं तो ये सदर अस्पताल चली जाएगी, सदर अस्पताल। जाता है पवनिया मोड़, और यहाँ पे की मुहानी है जो कि एक स्टेशन की तरफ चली जाएगी। एक छपरा आप जा सकते हैं, यहाँ से हाईवे पकड़ सकते हैं। ये आप स्टेशन चली जाएंगे, इस रूट से ये स्टेशन पर जाएगी। आगे दो गाड़ियां हैं, हम लोग को जाने में दिक्कत हो रही है। आगे में दो गाड़ियां हैं, यहाँ पे देखिए होटल रितेश है, केनरा बैंक है, लिबर्टी का शोरूम है। आगे में चलेंगे तो पेंटागन है, और भी बहुत सारे हैं यहाँ पे। अगर आप जाते हैं आगे में तो V2 मिल जाता है, वी मार्ट मिल जाता है। मैं उसका भी आपको नज़ारा, उसका भी लोकेशन आपको दिखाता हूँ। आगे बढ़ते हैं, ये आपको वी मार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वी मार्ट। अरे घूम जा भाई घूम जा। तो दोस्तों अभी हम लोग छपरा रोड से निकल रहे हैं, सही तरह होते हुए जाएंगे, आप सभी को दिखाएंगे। यहाँ पे आप बैक कैमरे से देखिए यहाँ का नज़ारा। यहाँ पे आप जाते हैं तो पेट्रोल पंप आपको साइड में नज़र आएगा, यहाँ पे पेट्रोल पंप है, माँ शंकर सिंह का पेट्रोल पंप। इधर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे पेंटालून है, और ट्रेंड्स करके शॉप आप यहाँ पे देख सकते हैं, रॉयल एनफील्ड का शोरूम है, ठीक है, ट्रेंड्स है। और इधर अगर आप जाते हैं तो इधर भी आपको HDFC बैंक वगैरह मिल जाते हैं। बैंक ऑफ बड़ोदरा भी आपको अपोजिट में इधर मिल जाता है, मधुकुंज मेगा मार्ट, और यहाँ भी आपको पेट्रोल पंप मिलेगा। इधर पेट्रोल पंप बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे आप देखेंगे पेट्रोल पंप है। अंदर हम चलते हैं तो वैन हुसैन का खुला है, TVS का शोरूम है, और रेड चिप्स जो है यहाँ पे आपको मिल जाता है, रेड चिप्स का शोरूम। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था वी मार्ट, यहाँ पे फल मंडी है, फल की दुकान लगती है यहाँ पे। और आगे अगर आप बढ़ते हैं तो ये ट्रैफिक पुलिस का खड़ा होने के लिए है, सिवान पुलिस आपकी सेवा में आता है, सीधे चलो। और यहाँ पे आगे हम लोग को बढ़ना है, मैं
Transcar.com मिस्टी स्वीट्स है साथ में, और आगे हम लोग पढ़ेंगे। सदर अस्पताल को जाने वाली रोड यही सुन रहे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा कपड़ा का मार्केट है। आप देखिए यहाँ की खूबसूरती आपको काफ़ी पसंद आएगी, बहुत खूबसूरत ये इलाका है, ये एरिया है। आप देखेंगे बच्चे को साइकिल अगर लेना हो तो आप यहाँ पे साइकिल वगैरह भी ले सकते हैं। ये सही सराय का एरिया है जो कि ये हम लोग का एक नगर थाना है, ये नगर थाना आपको मिल जाता है यहाँ पे। सही सराय हम लोग आ चुके हैं, सही सराय मार्केट, ये सही सराय मार्केट का पूरा एरिया है। ये सही सराय है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सही सराय का पूरा एरिया है। ये बड़ी मस्जिद है, आप यहाँ पे देखेंगे बड़ी मस्जिद की जाने का एंट्रेंस है सामने से।